नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी स्टडी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप आता क्यों है, क्या कारण है भूकंप आने का, इसके बारे में पढ़ेंगे। भूकंप आने से कौन सी गैस वायुमंडल में अधिक हो जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भूकंप कितने प्रकार से आता है, ये भी पढ़ेंगे। भूकंप के किस महासागर में सबसे अधिक भूकंप आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तमाम ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें जो है कि आज हम जानेंगे, जिससे भूकंप से संबंधित बात होंगे। और ये भूकंप से प्रश्न कहीं कहीं हर एक एग्जाम में इससे आता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। और भूकंप ही क्या कारण होता है कि भूकंप आता है, कैसे हम जानेंगे कि भूकंप आ जाता है, कैसे जानवर को पहले पता लग जाता है कि भूकंप आ जाता है, यानी वो भूकंप आते ही वह उनको हमसे पहले कहीं कहीं आभास हो जाता है, इसलिए वो भूकंप वाले क्षेत्रों से दूर भाग जाते हैं दोस्तों। अब ये पढ़ते हैं भूकंप क्यों आता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि भूकंप का कारण क्या है। तो भूकंप जो आता है दोस्तों, वो प्लेट के टकराने से आता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि भूकंप, देखिए दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भूकंप आता है वो दो प्रकार से आता है। एक तो भूकंप होता है प्राकृतिक भूकंप, दूसरा होता है मानवीय भूकंप। अब जानेंगे कि प्राकृतिक भूकंप क्या होता है और मानवीय भूकंप क्या होता है। तो बात करेंगे प्राकृतिक भूकंप। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, प्राकृतिक भूकंप बात करेंगे तो पहले इसमें लिखेंगे प्लेट विवर्तन की वजह से, प्लेट विवर्तन की वजह से। अब प्लेट विवर्तन क्या होता है दोस्तों, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है तो उसमें क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब टकराता है तो उसमें कंपन उत्पन्न होती है, इसी के कारण हमारी धरती पे क्या होता है, उसका आभास होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जैसे एक छोटी प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा जाती है तो उसमें हलचल इस प्रकार का आ जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, भूकंप होता है। ये हलचल इस प्रकार का ऐसे ऐसे होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो प्रकृति में बात की जाए तो सबसे पहले प्रकृति में बात करके तो प्लेट विवर्तन की वजह से, यानी जब प्लेट एक प्लेट दूसरी प्लेट से, हालांकि हमारी पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर बनी है, यही प्लेट जब एक दूसरे प्लेट से टकराती है तो वही भूकंप, जैसे उसमें कंपन उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो इसमें एक अलग ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा के कारण कंपन उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में, यानी भौगोलिक यानी भूगोल की भाषा में हम भूकंप कहते हैं। तो प्राकृतिक भूकंप की बात की जाए तो प्राकृतिक भूकंप की सबसे पहले अगर बात करेंगे तो प्लेटों के टकराने से, यानी प्लेटों के विवर्तन में क्या हूँ, प्लेटों के टकराने से क्या था, प्लेटों के टकराने से जो भूकंप आता है उसे हम प्राकृतिक भूकंप में मानते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात रही इसमें, दूसरी बात तो ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, अब होता क्या है ज्वालामुखी भूकंप, तो ज्वालामुखी भूकंप के बारे में बता दो दोस्तों। तो ज्वालामुखी भूकंप वह भूकंप होता है जिसके कारण भूकंप आता है, उस यानी ज्वालामुखी के कारण भूकंप आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी भूकंप कहेंगे। अब ज्वालामुखी से कैसे भूकंप आता है, आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे उससे ज्वालामुखी से भूकंप आ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी ज्वालामुखी इस तरह से आती है तो पृथ्वी के अंदर से कितना अधिक दबाव होता है, जिसके कारण ये झटके से इसमें से लावा बाहर निकलता है, और इसके आसपास की जो भूमि होती है वो अचानक, यानी जैसे ही झटके से बाहर लावा निकलता है तो उसके आसपास की भूमि में कंपन उत्पन्न होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी ज्वालामुखी, जैसे आपको पता होगा हमारी पृथ्वी के अंदर तरल मैग्मा पदार्थ यानी गैसों का भंडार है, इसकी वजह से दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के बाद जहाँ पृथ्वी को कमजोर हो पाती है वो गैस राख से लावा अचानक से पृथ्वी से बाहर निकलती है, जिसके कारण क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और किस प्रकार का भूकंप कहते हैं, तो वो ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं तीसरी, इसमें तीसरी पॉइंट की बात करें तो तीसरी बात हो जाएगी गैसों से, क्या होगा, गैसों से निकलती, गैस
निकलने के कारण, गैस निकलने के कारण। दोस्तों गैस निकलने के कारण भूकंप जो है आता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि गैस से निकलने के कारण, यानी गैसों से जो गैसों के कारण जो पृथ्वी पे कंपन उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं गैस निकलने वाला, इसलिए इसको कहते हैं गैस भूकंप के कारण। यानी जो गैस अंदर तरल मैग्मा पदार्थ, आपको पता होगा गैस के छटके से जैसे ही ये बाहर निकलता है तो पृथ्वी आके आसपास भी गिर जाती है, इसके कारण क्या होता है कंपन उत्पन्न होता है। तो गैस निकलने के कारण भी क्या होता है पृथ्वी से भूकंप आता है दोस्तों, ठीक। गैस निकलने के कारण, क्या गैस निकलने के कारण, ठीक। अब बात करते हैं मानवीय भूकंप, मानव भूकंप के, यानी मानव के द्वारा जो भी धरती में कंपन उत्पन्न होता है उसे मानवीय भूकंप कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मानव से कैसे भूकंप आता है, तो मानव के प्रयोगों से, मानव के बनाए गए कुछ ऐसे चीजों से भूकंप आने की आशंका भविष्य में जताई जा सकती है दोस्तों। जैसे बात की जाए तो मानवीय भूकंप में इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले बांध बनाना, सबसे पहले बात करेंगे तो बांध बनाना। अब बांध तो बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, बांध तो बनाया जाता है, लेकिन जैसे ये अचानक बांध टूटता है वो सारा जलाशय उस पृथ्वी के पास अचानक उस पृथ्वी के प्लेट पे जाकर गिरता है, जिसके कारण पृथ्वी में एक हलचल उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बांधों के द्वारा आए कंपन को बांध भूकंप के द्वारा इसे मानवीय भूकंप में हम गिनते हैं। यानी जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हम क्या बनाते हैं एक बांध बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, और ये आपकी नदी, ये जलाशय यहाँ पर क्या करती इकट्ठा कर लेती है, और ये नदी यहाँ पर इसका लेवल ये है, अगर ये बांध अचानक टूट जाता है तो ये पानी जाकर इस पर अचानक आकर गिरता है तो यहाँ के प्लेटों को हिला देता है, जिसके कारण कंपन उत्पन्न होता है धरती में, इसी को हम क्या कहते हैं यानी बांध बनाने से भी भूकंप आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर टिहरी बांध है तो भागीरथी नदी पर बनाई गई है, अगर ये अचानक टूट जाता है तो उसके आसपास की जमीन पे क्या करता है अचानक ये जलाशय उसमें इकट्ठा होकर गिरता है जब धरती पे, तो एक वजन होता है, काफ़ी मात्रा में पानी होती है, इसकी वजह से वहाँ की धरती के आसपास कंपन उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं भूकंप कहते हैं, और ये मानव के द्वारा आने वाले भूकंप में काउंट किया जाता है यानी गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगला बात करते हैं, तो अगले भाग में बात करेंगे दोस्तों कि परमाणु बम, दूसरी बात मानव में परमाणु बमों का यानी बांध का टूटना, याद कर सकते हैं बांध का टूटना, ठीक, परमाणु बमों का परीक्षण के कारण। यानी दूसरी बात की जाए तो परमाणु बम के परीक्षण के कारण भी भूकंप आता है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो आपको पता होगा जैसे परमाणु बम है ये अचानक जिस धरती पर आकर गिरेगा ये धरती यहाँ की कंपन कर जाएगी, यानी ये जाएगी, यानी कुछ एरिया में कुछ सीमित क्षेत्रों तक ये धरती आप क्या होती है हिल जाती है, यानी कंपन उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं कि मानव के द्वारा आए हुए कंपन को, इसको मानवीय भूकंप में गिना जाता है, इसको मानवीय भूकंप कहा जाता है। तो यानी भूकंप कितने प्रकार से आते हैं, एक प्राकृतिक भूकंप, दूसरा मानवीय भूकंप। प्राकृतिक भूकंप में हम पढ़ चुके हैं कि प्लेटों को टकराने से जो कंपन उत्पन्न होता है धरती में उसे ही मानव भूकंप में, यानी प्लेटों को टकराने से उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। दूसरी बात रही ज्वालामुखी भूकंप की बात की जाए तो ज्वालामुखी भूकंप में बताया था कि जैसे ज्वाला अचानक धरती से निकलता है तो एक अलग सा विस्फोट होता है, जिसके कारण क्या होता है ज्वाला निकलती है और वहाँ की धरती में कंपन उत्पन्न होता है, उसे ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। तीसरी बात गैसों के अचानक निकलने से वहाँ की धरती आसपास गिर जाती है, जिसके कारण क्या कहते हैं गैसी भूकंप कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक भूकंप में प्लेट के टकराने से ज्वालामुखी से गैसों से निकलने वाली। मानवीय भूकंप में बताया था कि बाद अगर आप बना देते हैं बाद में अचानक ये बांध टूट जाता है तो जो बांधों के द्वारा एकत्रित किया गया जलाशय अचानक धरती पे जो उसके आसपास के क्षेत्र पर जहाँ भी गिरता है तो वहाँ पे क्या होता है कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं मानवीय भूकंप गिना जाता है। दूसरी परमाणु बमों का परीक्षण,
तो परमाणु बम का परीक्षण, जैसे हम इस तरह से परमाणु बम अचानक ऐसे गिरता है तो यहाँ के आस पास के क्षेत्रों को क्या करती है, धरती हिला, जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ पर ऐसे ये ऐसे अगर गिर जाता है तो ये क्या होती है, ये देखिए जैसे ये गिर गया तो ये क्या होगा, पूरा हिल गया है, जिसके कारण क्या होता है, कंपन उत्पन्न हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं दोस्तों। तो इसको ये मानव भूगोल में काउंट किया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये था भूकंप के बारे में। अब बात करते हैं कि भूकंप जब आता है तो वायुमंडल में कौन सी गैसों की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण हम यह आभास कर सकते हैं कि कुछ क्षणों बाद भूकंप आएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो वैज्ञानिक आपको बताते हैं कि भूकंप यहाँ आ सकता है, तो वो जो वायुमंडल में गैस उत्पन्न होती है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये वैज्ञानिक उसी आधार पे बता सकते हैं कि कुछ क्षण में कुछ देर बाद क्या आएगा, भूकंप आ जाएगा। ये आप सोचते होंगे कैसे बता देते हैं, तो मैं बता दिया कि इसी के कारण जो है ये भूकंप को आप इनको पता लग जाता है कि इसके कारण होता है। हालांकि भूकंप जब जैसे अंदर कुछ गहराई तक अंदर होता है तो उसमें कंपन जब उत्पन्न होता है तो जानवरों को कंपन बहुत अधिक से सुनाई देता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए उनको आभास होता है, जैसे देखेंगे आप अगर कहीं कुत्ता सोया हुआ है तो आप कितना भी पैर दबाकर चलेंगे तो वो कंपन उसको सुनाई देता है, यानी हल्का से हल्का कंपन उसको सुनाई देता है। इसलिए जैसे पृथ्वी हिलती है अंदर से उसको आभास हो जाता है, उन भूकंप के क्षेत्रों से कुत्ता क्या करता है, यानी जानवर क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। तो भूकंप अब मानव कैसे पकड़ता है, मैंने बता दिया कि जैसे आपको बता दिया कि भूकंप आता है तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो रेडार में गैस होती है जिसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, और इसी आधार पर वैज्ञानिक जो होते हैं वो बता देते हैं कि कुछ क्षण बाद कुछ देर बाद क्या आएगा, भूकंप आएगा, ठीक है दोस्तों। यानी यही तरीका है वो जानने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के कारण जो है आता है। अब बात करते हैं कि भूकंप जहाँ से आता है निकलता है, जिस पृथ्वी से जहाँ से निकलता है और जिस जगह पर पहले आभास किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो जैसा बता दूं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर का हिस्सा, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ तो उसे हम कहते हैं भूकंप मूल कहेंगे, यानी जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, भूकंप मूल कहेंगे, यानी इसको अंग्रेजी में फोकस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यही जब भूकंप पृथ्वी के अंदर से निकलकर क्या करता है, जिस जगह यानी जिस पृथ्वी पर जहाँ ये पहले आभास किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहा जाता है, समझ में आया दोस्तों। यानी जहाँ से भूकंप निकलता है, जिस पृथ्वी के अंदर से ये भूकंप निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे भूकंप मूल कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे, भूकंप मूल कहेंगे, जहां पर हमको यह आभास होता है कि यहां पर भूकंप का सबसे पहले आभास किया गया, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे, इंग्लिश में ईपी सेंटर कहा जाता है दोस्तों। और जहां से उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल यानी अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फोकस आ जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यानी भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल यानी फोकस, जहाँ हम अनुभव करते हैं हमें आभास होता है, क्योंकि पृथ्वी के बहुत गहराई के अंदर से भूकंप उत्पन्न होता है, तो उसे जिस गहराई पर उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल यानी फोकस, जहाँ आप ये महसूस करते हैं उसे भूकंप अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जब भूकंप ये उत्पन्न होता है तो जब ये भूकंप क्या होता है, उत्पन्न होता है दोस्तों, तो क्या होता है, जब ये भूकंप क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न होता है तो उसमें कई तरंगे उत्पन्न होती हैं, क्या होता है दोस्तों, उसमें कई तरंगे उत्पन्न होती हैं, क्या होता है, कई तरंगे उत्पन्न होती हैं। वो कौन कौन सी तरंग होती हैं जो भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती है, क्या कारण होता है कि भूकंपों में कई तरंगे आई के निकलती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया। अरे दोस्तों यहाँ मैं दिखा देना चाहता हूँ, जैसे मैं की माध्यम फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट फिगर था और ये सेकंड फिगर था। सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं ये भूक्रोड है, यानी भूमि का वो निचला हिस्सा जिसे हम भूक्रोड कहा जाता है, वो मतलब भूमि, क्रोड मतलब उसके अंदर का हिस्सा, को क्या कहते हैं, भूक्रोड कहते हैं। अब यहाँ से भूकंप जैसे निकलता है, ये आपकी पृथ्वी है, क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एक तरंग निकलती है
जिसे पहले जब भूकंप आता है तो सबसे पहले एक पी तरंग निकलती है जिसे प्राथमिक तरंग कहा जाता है। जैसे ही भूकंप आता है तो उसमें तीन प्रकार के तरंग उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले प्राथमिक यानी पी तरंग निकलती है, उसके बाद ये कुछ दूर जाने के बाद ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद दूसरी तरंग कौन सी आती है, एस तरंग, ठीक है, उसके बाद ये भी कुछ दूर समाप्त हो जाती है। उसके बाद आती है एल तरंग जो भूमि पर यानी भूपर्पटी पर ही ये चलती है, बाकी ये दोनों तरंगे भूमि के अंदर चलती हैं। और ये जो पी तरंग क्या होते हैं, ये इसी मान लीजिए ये भूपर्पटी है, ये भूमि का ऊपरी हिस्सा है, ये पी तरंग एल तरंग सॉरी इस पर चलती है। और जब यल तरंग इस पर चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना विनाशकारी ये तरंग हो सकती है, क्योंकि जितने भी पूरी दुनिया में घर बनाए हुए हैं इसी भूपर्पटी के ऊपर बनाए गए हैं। ये पृथ्वी का भूपर्पटी समझ लीजिए, सपोज डैट ये पृथ्वी का भूपर्पटी है, ये पृथ्वी अंदर तक है तो ये ऊपरी हिस्से पे ही हम घर बनाते हैं। हालांकि 20 फुट 50 फुट अंदर तक तो हम जो इसको नेह कहते हैं यानी उसकी बीम जो है अंदर तक तो होती नहीं है। नॉर्मल आप देख सकते हैं कि 5 से 10 फुट के अंदर, बहुत ज़्यादा मैं बता दिया, 5 फुट बहुत ही आप देख सकते हैं लोकल क्षेत्रों में, शहरों में अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती तो 40 से 50 फुट के बीच यहाँ होता है। तो ये हमारा ऊपरी हिस्सा होता है, इसी पर हम अपनी बिल्डिंग को बनाते हैं। और जब भी भूकंप जो एल तरंग होती है इसी पर चलती है, और जब इस पर चलेगी तो इस तरह से ऐसे ऐसे गिरा देगी, तो जब हमारा घर बना रहेगा ये क्या होगा, गिर जाएगा। यदि जब एल तरंग आती है तो विनाशकारी होती है, हमें बहुत ही नुकसान पहुँचाती है। दोस्तों आइए इनको एक एक करके इन तरंगों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी तरंग को क्या कहा जाता है, इन तरंगों की क्या विशेषता है, कौन सी तरंग कहाँ कहाँ चलती है, इसके बारे में। अब तरंग की बात की जाए तो आप तरंग के समझने में अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं एक बात दिखाना चाहता हूँ फिगर के माध्यम से। तो दोस्तों मैं यह बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए एक सपोज तालाब है, तो जब आप तालाब में एक क्या कहते हैं पत्थर को तालाब में डालते हैं तो जैसे यहाँ डालेंगे तो इसमें से ऐसे ऐसे तरंग निकलती है और ऐसे ऐसे जाते जाते लास्ट में क्या होती है, खत्म है, ठीक। इसी प्रकार से जो है कि भूकंप में कई प्रकार की तरंग जो होती हैं ऐसे निकलती हैं, तो पहले वाला हिस्सा यहाँ तक चलकर यही पहला यहाँ से यहाँ तक चला पी खत्म हो गया, दूसरा इसके बाद चला यस यहाँ खत्म हो गया, तीसरा जो चला एल ये पृथ्वी के ऊपरी क्रोध तक चला। इसी प्रकार से ये तरंगें क्या होती हैं, निकलती हैं। जैसे आप कभी पानी में पत्थर मारकर, तालाब में पत्थर मारकर इसको आप एक तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं उन तरंगों के बारे में कौन कौन सी तरंग है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ती है, किसकी, रेडान गैस की मात्रा बढ़ती है, ठीक है दोस्तों, किसकी मात्रा बढ़ती है, तो रेडान गैस की मात्रा वायुमंडल में क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है भूकंप आने से पहले ही। इसलिए वैज्ञानिक इसको आभास करके बता देते हैं कि बाद में भूकंप आने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात की जाती है सबसे पहली जो तरंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, पी तरंग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पी तरंग, जिसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, इसे पी तरंग या प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। पूछता कि किन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, तो प्राथमिक जो तरंग होती है उसे ही अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता इसकी है कि यह ध्वनि की समान चलती है, ये ध्वनि के समान या ध्वनि की भांति समान चलती है। पूछता कि कौन सी तरंगें ध्वनि की समान भांति में चलती हैं, तो वो प्राथमिक तरंग जिसे हम अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। पूछता कि कौन सी तरंगें सबसे तेज चलती हैं, तो वो कौन सी तरंग है, सर्वाधिक पी तरंगें जो होती दोस्तों वो सर्वाधिक तेज से चलती है। तीसरी बात करेंगे तो तीनों माध्यम में चलती है, ठोस द्रव गैस। पूछेंगे कौन सी तरंगे जो तीनों माध्यम में चलती हैं, तो वो तरंग कौन सी है, ठोस द्रव गैस ये तीनों माध्यम में चलने वाली तरंग कौन सी है, पी तरंग है दोस्तों, जिसे हम प्राथमिक तरंग कहते हैं, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी के क्रोड पे पहुंचती है तो इसका क्या होता है, धीरे धीरे इसकी गति मंद होने लगती है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे तो दूसरी जो तरंग है वो उसे एस तरंग कहते हैं, जिसे
एस तरंग, इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, यानी पहले को अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरे को अनुप्रस्थ तरंग। और ये प्रकाश की भांति चलती है, न कि ध्वनि की भांति। यानी प्राथमिक जो तरंग थी वो ध्वनि की भांति चलती थी, और जो आपकी द्वितीय तरंग है यह प्रकाश की भांति चलती है। इसमें अंतर पूछता दोस्तों, इसलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए दोस्तों। तो ये ध्वनि की भांति चलती है या प्रकाश की भांति चलती है, ठीक, ये ठोस माध्यम में चलती है, ठीक है दोस्तों। एस तरंग जो होती है वो ठोस माध्यम में चलती है, जबकि पी तरंग कौन है, तीनों माध्यम में चलती है। और अगली पॉइंट है 3000 किलोमीटर की गहराई जब जैसे ये पहुंचती है तो धीरे धीरे क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती है धीरे धीरे क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अगली बात करेंगे तो धरातली तरंग है, जिसे एल तरंग कहा जाता है। अगली कौन सी तरंग है, धरातली तरंग है, जिसे एल तरंग भी कहा जाता है। ये धरातल पर बहुत ही देर से पहुंचती है। पूछता है कि सबसे अंतिम समय में कौन सी तरंग पृथ्वी के करोड़ पृथ्वी के भूपरपटी पे पहुंचती है, तो यह पी एल तरंग, सॉरी दोस्तों एल तरंग जो है कि चलती है। यह सबसे विनाशकारी है, मैं बताया पहले ही मैं बता चुका हूं कि क्योंकि ये पृथ्वी के भूपरपटी यानी ऊपरी सतह पर चलती है, और ऊपरी सतह पर ही मानव संसाधन यानी मानव अपने जीवन के लिए जो घर बनाए हैं रहने के लिए, तमाम प्रकार की जितनी भी चीजें बनाए अपनी आवश्यकताओं के लिए, ये पृथ्वी के ऊपरे हिस्से पे बनाए हैं। और पृथ्वी के ऊपरे हिस्से पे चलने वाला कौन सा तरंग है, एल तरंग है दोस्तों। तो इसलिए ये सबसे विनाशकारी तरंग है दोस्तों, इसे लव वेव्स कहा जाता है। वैसे भी आपको पता होगा कि लव कितना खतरनाक चीज होता है, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि लव वेव्स यानी जो तरंगे जैसे धरातली तरंग को लव वेव्स कहा जाता है, वैसे ही ऑलरेडी लव खतरनाक होता है। तो मेरा कहना उस वहाँ पे नहीं उचित है, लेकिन मैं उससे जोड़ कर बता दे रहा हूँ दोस्तों। हालांकि आप लोग इसको सीरियस पढ़िएगा, हालांकि उस तरह से कोई आप अलग तरीके से इसको ना लगाइएगा दोस्तों। सबसे विनाशकारी बता चुका हूँ, ये सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। जब भी ये धरातल के ऊपर चलेगी तो सर्वाधिक हानिकारक कौन सी तरंगे हैं, तो एल तरंगे ये हमेशा ही क्या करती है, विनाश करती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा हानि कौन सी तरंग पहुंचाती है, तो एल तरंग पहुंचाती है। यानी कि कुल कितने तरंग है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, ठीक है दोस्तों। तो पहला अनुदैर्ध्य तरंग यानी प्राथमिक तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, यह ध्वनि के समान चलती है, सर्वाधिक गति 30 तीव्र से चलती है, तीनों माध्यम में चलती है, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में चलती है। दूसरी तरंग एस तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग है, यह प्रकाश की तरंगों की भांति चलती है, प्रकाश की तरंगों की भांति चलती है, यह ठोस माध्यम में चलती है, जबकि पी तरंग तीनों माध्यम में चलती है। यह ठोस द्रव गैस तीनों में चलती है, जबकि यह ठोस में चलती है। तीसरी बात करेंगे तो धरातली तरंगे यल तरंगे, यह धरातली तरंगे देर से पहुंचती है, सबसे विनाशकारी है, सर्वाधिक हानि पहुंचाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हुकम से इतने टॉपिक को मैं बता दिया हूं, बाकी और आगे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं कि आइसोमर और होमोसिस्मर क्या होता है, क्या आप पढ़ते हैं, एक आइसोमल एक होमोसिस्मल। तो यहाँ गौर से देखिए दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आइसोमल क्या कहते हैं, आइसोमल को क्या कहते हैं, तो आइसोमल इसे कहते हैं यदि यहाँ पर भूकंप निकला, फिर यहाँ पर भूकंप आया, 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 तो यहाँ छह तीव्रता का, यहाँ छह तीव्रता का, यहाँ छह तीव्रता का, यहाँ छह तीव्रता का, यानी समान जगहों पर, यानी समान जगहों पर जो भूकंप की तीव्रता है वो समान है, यानी भूकंप अलग अलग क्षेत्रों में जो आया उसकी तीव्रता समान है, तो इसलिए अब इसको क्या कहते हैं, आइसोमल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, आइसोमल कहते हैं, क्या कहेंगे, आइसोमल कहेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है होमोसिस्मल, अब बात करेंगे होमोसिस्मल क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस बॉक्स में, यहाँ से तीव्रता निकली, यहाँ से तीव्रता निकली, यहाँ से तीव्रता निकली, यहाँ से तीव्रता निकली, यहाँ से निकली और यहाँ से निकली, या एक यहाँ दो का, यहाँ चार का, यहाँ आठ का, यहाँ नौ का, यहाँ जीरो का, तो जो अलग अलग जगहों पर जो भी भूकंप आया है और इनकी तीव्रताएँ क्या है, अलग अलग हैं, तो इस प्रकार के भूकंप को होमोसिस्मल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात
करते हैं कि ये जो प्रशांत महासागर, मध्य बेटी और अटलांटिक महासागर किन क्षेत्रों में सबसे अधिक भूकंप आता है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि सबसे अधिक अगर भूकंप किसी महासागर में आता है तो वो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर दोस्तों। किस महासागर में सबसे अधिक भूकंप आता है तो वो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक भूकंप आता है। दूसरी बात कहेंगे तो मध्य बेटी और अटलांटिक महासागर में भूकंप सबसे कम आता है। ठीक है दोस्तों, पूछता है किस महासागर में सबसे अधिक आता है तो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक आता है। प्रशांत महासागर में ही जापान पड़ता है, जापान में देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। जापान में घर बनाया जाता है लकड़ी का ताकि भूकंप आए तो लकड़ी किसी के ऊपर गिरे तो उसकी मृत्यु ना हो, जिसके कारण वो भगड़ा फुलगा चोट लगता है। और वहाँ जापान में बहुत ही भूकंप आता है और ये प्रशांत महासागर में ही जापान आपका पड़ता है और आपके नेपाल क्षेत्रों में भी बहुत अधिक आता है। भूकंप रोधी घर बनाया जाता है दोस्तों, वो स्प्रिंग के माध्यम से उसमें लगाया जाता है। दूसरी बात करें तो अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, ठीक है दोस्तों, दूसरी बात की जाए तो अटलांटिक महासागर में आता है दोस्तों। ठीक, अब आइए बात करते हैं कि भूकंप के कौन कौन से जो कि मापने का यंत्र है, तो यहाँ से मैं मिटाना चाहता हूँ दोस्तों थोड़ा सा, देखिएगा। तो भूकंप के मापने का यंत्र है, पहला है आपका फेरल या राशि फेरल, क्या है राशि फेरल। दूसरी बात की जाए तो दूसरी आपकी है मर्केली स्केल, और तीसरी बात का है तो रिएक्टर स्केल। यानी भूकंप इन सभी क्षेत्रों में सबसे ही मापा जा सकता है, राशि फेरल से भी, मर्केली से भी और रिएक्टर स्केल से भी। लेकिन सबसे अधिक अगर भूकंप किसी चीज़ से मापा जाता है तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, क्योंकि बहुत ही शुद्ध मापन यंत्र है। क्या है? बहुत ही शुद्ध मापन यंत्र है दोस्तों। ठीक है, ये अनुभव विधि के द्वारा इसको किया जाता है। तो मैं बताया कि भूकंप जो आता है ये कहाँ से आता है, आने का कारण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो भूकंप यहाँ से उत्पन्न होता है, भूकंप मूल है और जहाँ खत्म होता है यानी जहाँ आभास होता है भूकंप अधिकेंद्रित है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, वीडियो स्किप करके मत देखा कीजिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखा कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आता है दोस्तों तो आप कमेंट में बताएं कि सर ये नहीं समझ में आता है, तो हम अगली वीडियो में या लाइव क्लास जैसे ही लेंगे तो हम उस वीडियो में उसका पूरे एनालिसिस करके आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और छोटी सी बात मुझे ये कहनी थी कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, सपने तो देख लेते हैं मगर उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं सपना पूरा होता दोस्तों। सपने पूरा करने के लिए कई सपनों को दूर किया जाता है, कुछ कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अड़चन, यानी क्या कहते हैं उसको, वो आपको मतलब एक तरह से आपको वो दूसरी राह पे ले जा रहा है। तो उन चीज़ों को छोड़िए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। माता पिता के सपनों को पूरा करना आपका कर्तव्य है, उनका जितना कर्तव्य था वो आप पर दिए, और आप लोग कड़ी मेहनत और लगन से पढ़िए और बहुत ही जल्द आप लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। और जितना हो सके आप उतनी ज़्यादा परिश्रम करिए, क्योंकि ज़िंदगी भर पढ़ने से अच्छा है कि 6 महीने आप अगर कायदे से पढ़ लें, कड़ी मेहनत से पढ़ लें, दुनियादारी को छोड़ दें। और 6 महीने मैं बता दे रहा हूँ कि जिस दिन आप 6 महीने अगर ईमानदारी से पढ़ लेंगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है दोस्तों। क्योंकि आप 6 महीने जिस दिन पढ़ दिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, सफलता तो अपने आप मिल जाएगी। कहते हैं सफलता शोर मचाती है, आप बंद कमरे में आप मेहनत करिए, सफलता ऑटोमेटिक शोर मचाएगी। आपको आप किसी को नहीं पहचानेंगे लेकिन वो आपको पहचान जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सफल हो गए हैं। सफल व्यक्ति को दुनिया पहचानती है, सफल व्यक्ति को दुनिया पहचानती है, असफल व्यक्ति को कोई नहीं पहचानता।
और सफल बनने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता। लगातार आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि आप लोग इस तरह से मेहनत करते हैं और इसी तरह से आप लोग लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए और आप बहुत ही जल्द अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।